बिस्मिल्लाहिर्रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल किचन विद तंजीला। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी टिक्का बोटी, जो कि घर के कुछ स्पाइसेस डालकर बहुत ही मजे की बनती है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक किया करें। तो आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। टिक्का बोटी बनाने के लिए जो चीज़ें हमें रिक्वायर हैं वो ये हैं। 1 kg के करीब हमने लिया है मटन, जिसके हमने इस तरह छोटी छोटी बोटियाँ कर ली हैं। 2 tablespoons हमें चाहिए सोया सॉस। 1 teaspoon हमें चाहिए क्यूमन सीड्स यानी कि ज़ीरा। 1 teaspoon हमें चाहिए कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर। 2 tablespoons हमें चाहिए लेमन जूस। 2 teaspoons हमें चाहिए रेड चिली पाउडर। 1 teaspoon हमें चाहिए रेड क्रश चिली। 1 teaspoon ब्लैक पेपर। 2 teaspoons हमें चाहिए सॉल्ट। टिक्का मसाला चाहिए हमें 1 tablespoon। कचरी पाउडर चाहिए हमें 1 tablespoon। 1 cup हमें चाहिए दही। जिंजर गार्लिक और ग्रीन चिली का हमें पेस्ट चाहिए 2 tablespoon। अब हम सारी चीज़ों को मैरिनेट कर लेंगे। अब हम मटन में सारी चीज़ें ऐड कर लेंगे। ब्लैक पेपर और सॉल्ट ऐड कर देंगे। क्यूमन सीड्स और कोरिएंडर पाउडर। सोया सॉस। चिली पाउडर और रेड क्रश चिली। लेमन जूस 2 tablespoon। टिक्का मसाला। कचरी पाउडर। जिंजर और गार्लिक पेस्ट। साथ ही ग्रीन चिलीज जाएंगी। योगर्ट ऐड कर देंगे और सब चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गी हैं। अब हम इसको 7 से 8 घंटे के लिए मैरिनेट करके रख देंगे, फिर हम इसको फ्राई करेंगे। जी तो हमारे मटन को पड़े हुए 7 से 8 hours गुजर चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसके अलावा हमने लिए हैं टोमेटोस, कैप्सिकम, अनियंस, इस तरह क्यूब्स में कटिंग कर लिया सबको। अब हम एक प्लेट लेंगे। सबसे पहले मटन का एक पीस लेंगे, फिर कैप्सिकम, फिर मटन का एक पीस ले लेंगे, टोमेटो लगाएंगे, मटन का एक पीस, अनियन, फिर मटन लगाएंगे। इस तरह हम सारी स्टिक्स रेडी कर लेंगे। हमने ये 4 sticks रेडी कर ली हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे। एक पैन लिया है हमने, इसमें हमने 2 से 3 tablespoons ऑयल डाला है। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। हम स्टिक्स रख देंगे। पहले ही हमने फ्लेम को मीडियम रखा हुआ था, अब लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। हम 10 minutes तक एक तरह से फ्राई करेंगे और 10 minutes तक दूसरी साइड में। टोटल हम इसको 20 minutes तक फ्राई करेंगे। अब हमारा फ्लेम बिल्कुल लो है, हम इसको हल्की आंच में फ्राई करेंगे ताकि अच्छी तरह अंदर से पक जाए। 10 minutes हो गए हैं, हम इसकी साइड को पलट देंगे। देखिए ब्राउन हो चुकी हैं। अब हम 10 से 12 मिनट तक इस साइड को फ्राई कर लेंगे। 10 मिनट्स हो गए हैं, अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी तो हमारी टिक्का बोटी रेडी है, हमने इसको डिश में निकाल लिया है। आप इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, कमेंट में मुझे बताएं कि आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।